खवातीन हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, बेटे और बेटियों, वंस अगेन लीडरशिप स्टोरीज विद फजल। और इस दफा फिर एक बड़ा नॉवल और अनोखा पाकिस्तानी है जो कि एक्चुअली करंट गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहे हैं, वो जाहिर उनका मामला है, मैं उस पर नहीं कॉमेंट करना चाहता। डॉक्टर इरशाद हुसैन, आप देखिए इस पाकिस्तानी को सिविल सर्विस, वर्ल्ड बैंक, उसके बाद PhD फ्रॉम विलियम्स कॉलेज, और उसके बाद सेंट्रल बैंकिंग में, आप जाहिर है कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन स्टेट बैंक की जो मेजर रिफॉर्म्स हुई हैं 2000-2005 में, डॉक्टर इरशाद हुसैन ने वो की। और आप देखिए उनका तरीका देखिए, सो ही बिकम्स द गवर्नर स्टेट बैंक, गोज इनटू द ऑफिस एंड कॉल्स हिज सीनियर HR पीपल एंड सेज कि यार मुझे जरा HR वालों से मिलाओ। ये वो आदमी है, बंदा है, बुजुर्ग है, जिसने के पब्लिक सेक्टर में पहली दफा एक जबरदस्त परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बाहर से कंसल्टेंट्स बुला के किया, HR को उठाया था कि बैंक उठ जाए। सो अगेन यू हैव टू बी, लीडरशिप में ये नहीं होता कि आपको हर चीज में माइक्रो मैनेजमेंट करनी है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए जिसको आप ट्रिगर करेंगे तो इदारा या कौम उठ जाएगी, और ये लीडरशिप का टेस्ट है। और आई थिंक डॉक्टर इरशाद बड़े अच्छे फिट होते। फिर अब आप ये देखिए, From public service to being a central banker to actually leading IBA Karachi, what a prestigious institute, Pakistan ka Harvard hi hai na ji, to leading it and actually completely reshaping IBA Karachi. So I think do aur teen cheeze jo ke in sari baaton se main ye jo stories pesh karta hu na, isme mera zaati fayda to koi hai nahi, lekin main ye pesh isliye karta hu ki aapko pata chale ki karna kya hai aur ho kya raha hai. So do teen cheeze hain, ek aapke paas wo lever hona chahiye jisko aap uthaye to idara uth jaye, तो आपके पास एक खास किस्म की वसीउ नजरी और वसीउ ज़र्फ़ी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि मैंने किस सेक्टर में काम करना है, उस सेक्टर में मैं किसी इदारे को या किसी इंस्टीट्यूशन को बनाना चाहता हूं, तो हाउ कैन आई, यू नो, ही और शी, हाउ कैन आई एक्चुअली रीबिल्ड एंड रीवैम्प दैट इंस्टीट्यूशन। आई थिंक डॉक्टर इरशाद हुसैन इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल वंस अगेन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर गाय coming into banking, which is central banking, then from there going into education. And again, as I said, उनके अब जो गवर्नमेंट से मामला हैं उनके अपने, and I respect him, मेरे लिए तो mentor हैं। मैं आपको ये कहता रहूँगा कि देखिए लीडरशिप को प्रैक्टिस करने के लिए पहले उसको समझिए और आप देखिए कि हम खुद कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपको अल्लाह खुश रखे, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जिंदाबाद।